श्रोताओं ध्यान रखना, वो बरात जैसी दरवाजे पर आई। पार्वती शांति की सहेलियां थी। देखा होगा आजकल की जो हमारी बहनों के विवाह होते हैं, तो देखा होगा अलग अलग सहेलियां होती हैं। तो पार्वती की सहेलियों विचार करने लगी, चलो देखते हैं कि पार्वती ने उनके लिए वन में तपस्या की थी, देखते हैं पार्वती के पति कैसे हैं। और जैसे ही महलों में आई और भोले बाबा पर दृष्टि पड़ी, विचार करने लगी, बारी पार्वती, तूने इसके लिए वन में तपस्या की थी, अरे तुमने इसके अंदर क्या देख लिया था। अब तो आपस में सारी सहेलियां चर्चा करने लगी और आपस में क्या बोली, जवाब देने लगी बहन। पार्वती बहन ने इनके लिए वन में तपस्या की थी वर्षों तक, और इनके लिए भी तपस्या की थी, जो दिख रहे हैं कितने वृद्ध हो गए, अरे क्या करेंगे इसके साथ में शादी करके, लेकिन उन्हें क्या पता थी ये कौन है। तो सखियां आपस में बातचीत करने लगी और क्या बोलिए बहन, प्रकार से पार्वती की साथ की सहेलियां विचार करने लगी, बहन इन्होंने वन में तपस्या की थी, लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, इस बात को मैया मैना सुन रही थी।